अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास में केमिस्ट्री का आज हमारे पास टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ कहाँ से हमें मिल सकते हैं, उनके सोर्सेज, उनके मार्केट्स क्या हैं। सबसे पहले जो हमने इसी चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पे हमने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो असल में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स होते हैं। तो नेचुरली अगर हम देखते हैं कुदरती तौर पे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हमारे पास सोर्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या चीज़ें शामिल हैं, एनिमल्स और प्लांट्स। एनिमल्स जो हैं उनसे हमें मिलते हैं प्रोटीन्स और फैट्स। प्रोटीन्स कहाँ से मिलते हैं, एनिमल जो सोर्स है प्रोटीन का तो वो कहाँ से मिलेंगे, जानवरों से। उनमें एग्स शामिल हैं, मटन, चिकन, बीफ, फिश, मतलब जो हम मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं जो, तो वो सारा क्या है हमारे लिए बेस्ट सोर्स है किस चीज़ का, प्रोटीन्स का। उसके बाद जो फैट्स है उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, जो एनिमल से हम फैट्स लेते हैं उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, मिल्क, बटर और चीज़। ये वो चीज़ें हैं जिससे हमें क्या मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं। तो एनिमल जो हैं वो सोर्स हैं प्रोटीन का और फैट्स का। प्रोटीन में एग, मटन, चिकन, बीफ, फिश शामिल है। फैट्स में मिल्क, बटर और चीज़ शामिल है। उसके बाद हैं हमारे पास प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और वो सोर्स हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और ऑयल्स का। अब कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास क्या चीज़ें हैं जो प्लांट्स से हमें मिलते हैं, वो है व्हीट, मेज, पोटैटोज और बार्ले एंड राइस। इसके अलावा भी चीज़ें जो हमारे लिए क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का बेस्ट सोर्स हैं। उसके बाद प्रोटीन्स में हमारे पास जो हैं वो क्या है, वो पल्सेज और बीन्स हैं। पल्सेज और बीन्स, पल्सेज मीन दालें और बीन्स मीन फलियां जो हैं, ये हमारे लिए क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेस्ट सोर्स हैं। विटामिन्स में अगर हम बात करें तो फ्रूट्स जो हैं वो विटामिन्स का सोर्स हैं। फ्रूट्स में एप्पल्स, ऑरेंज और बनानास वगैरह शामिल हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए विटामिन्स का सोर्स हैं। उसके बाद ऑयल्स जो हैं, ऑयल्स में क्या चीज़ें शामिल हैं, पाम ऑयल है, ओलिव ऑयल है, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। ये सारे क्या हैं हमारे लिए, ऑयल्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स हैं। ये हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं जब प्लांट्स लिविंग हैं। लेकिन अगर प्लांट्स डेड फॉर्म में हैं, प्लांट्स मर जाते हैं, पौधे मर जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत अच्छा सोर्स बन जाते हैं। प्लांट्स जब मर जाते हैं, डेड प्लांट्स, तो ज़मीन की तह में मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, ठीक है, आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो प्लांट्स ज़मीन की तह में अर्थ क्रस्ट के अंदर दब गए थे, बरीड थे, दफन थे, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में उनके ऊपर एक बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ जो कि बहुत स्लो था। बायोकेमिकल प्रोसेस जो कि बहुत स्लो था वो हुआ जिससे डेड प्लांट्स कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल्स में। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं हमारे पास, फॉसिल फ्यूल तीन चीज़ों को हम कलेक्टिवली कहते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इन तीनों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। अब कोल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है, पेट्रोलियम भी और नेचुरल गैस भी। कोल जो है हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स कब बनता है, जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, हम कोल को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, हीट एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हम क्या करते हैं, कोयले को हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उसके नतीजे में कोयले से हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, मैनी, ओसी, ओसी का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। असल में कोल के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और पेट्रोलियम के अंदर, पेट्रोलियम भी हमारे पास जब ज़मीन से निकलता है तो ये एक मिक्सचर के फॉर्म में होता है। और पेट्रोलियम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये लास्ट चैप्टर में भी आगे हम पढ़ेंगे। तो पेट्रोलियम की हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऊपर हमने लिखा था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आई है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट, जो हमारे पास मिक्सचर होता है उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। किस बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब मिक्सचर के कंपोनेंट्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंस की बुनियाद पर सेपरेट करना क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मसलन हमारे पास कोई मिक्सचर है, उसके अंदर मैं कहता हूँ तीन चीज़ें हैं ए बी सी, कोई कंपोनेंट्स हैं,
ठीक हो गया, ये मिक्सर है ए बी सी, एक चीज का मिक्सर है, और अब हम चाहते हैं कि ये तीनों अलग अलग हों। और फॉर एग्जांपल ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 30 है, और बी जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट 70 है, और जो सी है इसका बॉइलिंग पॉइंट 110 सेल्सियस, 110 सेल्सियस है। अब हम अगर हम चाहते हैं कि ए अलहदा हो, बी अलहदा और सी अलहदा, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस मिक्सर को गर्म करना चाहिए। जब इस मिक्सर को हम गर्म करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर 30 पे पहुंचेगा, सबसे पहले किसके वेपर्स बन जाएंगे, ए के वेपर्स बन जाएंगे। वेपर्स जैसे ही बनेंगे हम उनको एक पाइप के थ्रू अलग से कंडेंस कर लेंगे, ठीक है, वो वेपर्स उड़ते जाएंगे। एक पाइप के थ्रू जब हम उन्हें अलग से कंडेंस कर लेंगे तो ए कंपोनेंट अलग हो जाएगा, उसके बाद क्या बच जाएगा हमारे पास, बी और सी। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर तो अभी बढ़ रहा होगा, अब टेम्परेचर जैसे ही 70 पे पहुंचेगा क्या होगा कि बी वाला जो कंपोनेंट्स हैं उसके वेपर बनना शुरू हो जाएंगे, और बी वाला कंपोनेंट अलग हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा सी। अब इस सारे प्रोसेस में हमने क्या किया है, हमने सारे कंपोनेंट्स अलग अलग कर लिए हैं, किस बुनियाद पे, उनके बॉयलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बुनियाद पे हमने अलग अलग कर लिए हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर ऑन द बेसिस ऑफ ऑन देयर डिफरेंस इन बॉयलिंग पॉइंट, बॉयलिंग पॉइंट के फ़र्क की बुनियाद पर किसी मिक्सर के कंपोनेंट्स अज्जा को अलग अलग अलहदा अलहदा करना क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या है कि हम कोल को हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस है वो हमारे पास क्या है, वो लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सर है। लाइक उसमें क्या है, हमारे पास मीथेन शामिल है, इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ये सारी चीज़ों का मिक्सर जो है लो मॉलिक्यूलर मास गैसेस का मिक्सर वो क्या कहलाता है, नेचुरल गैस कहलाता है। मीथेन इसमें ज़्यादा होता है लेकिन बाकी भी गैसेस होती हैं, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, ये लो मॉलिक्यूलर मास का मिक्सर है। तो ये था हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो लिविंग से आते हैं और फिर नॉन लिविंग से। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कोल के बारे में पढ़ेंगे अलग से कि कोल कैसे हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का अच्छा सोर्स है जब हम उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, फिर पेट्रोलियम कैसे है, फिर नेचुरल गैस, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।